आज दमोह की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए भाई राहुल लोधी जी के आज नामांकन रैली का हमने आज यहाँ आनंद भी लिया और जनता के बीच जिस प्रकार से आप देख रहे हो अपार स्नेह लुटा रही जनता, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है, भाजपा की जन जन में पेट है और जनता भाजपा के कामों को पसंद करती है। आज मैं स्वयं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, दूसरे मंत्री लखन पटेल जी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, आप महसूस कर रहे हो जिस प्रकार से प्रेम, माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे धर्मेंद्र लोधी जी मंत्री पर्यटन, सब लोगों के साथ मिलकर भाई राहुल लोधी जी के लिए आज हमने नामांकन रैली में जनता का आभार मानते हुए एक तरह से जनता के बीच भाजपा की बात पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से अपार स्नेह लुटाने के लिए आभार। ये जो हुजूम देख रहे थे 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से होगा, यही तो एक कारण है जनता को मोदी जी के कार्य प्रणाली इतनी पसंद है कि वो सब उतर के सड़क पर आ रही, उसका एहसास एक छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही। दमोह छिंदवाड़ा फतह हासिल करेंगे निश्चित, 29 की 29। मुकेश जी आज आप देख रहे हैं कि दमोह की नामांकन रैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा नेतृत्व रैली में सम्मिलित हुआ, लेकिन जनता का अपार समर्थन और कार्यकर्ताओं का उत्साह जो उमंग है वो दिखाई देता है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लालायित है और भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है, इसलिए इस बार दमोह से लेकर मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों में जीत का इतिहास बनेगा। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परचम फहराएगी। 6 तारीख को रिकॉर्ड बनाने वाले क्या? 6 तारीख को स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान कि हर बूथ पर 370 नए कमल के फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करना। इस बार 6 अप्रैल स्थापना दिवस को हर बूथ पर 64,523 बूथों पर ज्वाइनिंग का अभियान हर बूथ पर चलेगा। 1 लाख से ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इस बार इसका भी इतिहास रिकॉर्ड बनेगा।